हेलो फ्रेंड्स, आजकल आप लोगों ने देखा है एक ट्रेंड सी चली आ रही है। आप अगर मॉल जा रहे हो, ट्रेन स्टेशन जा रहे हो या एयरपोर्ट जा रहे हो, तो लोग ये नन कॉन्टैक्ट इंफ्रारेड थर्मोमीटर को यूज़ करते हैं एट द पॉइंट ऑफ एंट्री एंड बोलते हैं कि अपने स्किन को दिखाओ, रिस्ट को दिखाओ एंड यहाँ पर टेम्परेचर वो ले लेते हैं। तो आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये कितना गलत है। नन कॉन्टैक्ट इंफ्रारेड थर्मोमीटर को कभी भी स्किन पे, हैंड्स पे, लेग्स पे, एब्डोमेन पे, चेस्ट पे लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये हाईली अनरिलायबल होने जा रहा है। क्यों हाईली अनरिलायबल है एंड कौन सा साइट मेजर करने के लिए एग्जैक्ट है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो बने रहें हमारे साथ, इस वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें एंड अगर पसंद आता है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, शेयर कर दें। आज तक आपने सब्सक्राइब नहीं भी किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। आजकल एक फैशन सा हो गया है, जहाँ देखो आप सभी के हाथ पे ये नन कॉन्टैक्ट इंफ्रारेड थर्मोमीटर मिलता है। मॉल्स में आप चले जाओ, फ्लाइट्स में, एयरपोर्ट पे आप देख लो, ट्रेन स्टेशन पे देख लो आप, तो कहीं भी इसे यूज़ किया जाता है। एंड यूज़ कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे रिस्ट पे कर रहे हैं, स्किन पे कर रहे हैं। कभी कभी तो आप देखो हमारे पास फ़ोन भी आता है कि हमने आज अपने बच्चे का टेम्परेचर देखा है, 103 टेम्परेचर, 104 टेम्परेचर है। बिल्कुल पैनिक हो जाते हैं पेरेंट्स उस समय, एक हैवॉक सा क्रिएट कर देते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे समझने की बात ये है, मैं इस वीडियो के थ्रू आपको यही बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास ये नन कॉन्टैक्ट इंफ्रारेड थर्मोमीटर है तो इसे काइंडली किसी भी स्किन पे यूज़ ना करें, ना ही रिस्ट पे, ना ही लेग्स पे, ना ही एब्डोमेन पे, ना ही चेस्ट पे, कहीं इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसका एक ही पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ मिड ऑफ द फोरहेड। इसे जब भी यूज़ करें तो अपने फोरहेड के मिड पे प्रोजेक्ट करें एंड इस डिस्प्ले पे रीड करें टेम्परेचर को। कम से कम 3 बार टेम्परेचर लें। 3 टेम्परेचर लेने के बाद एक एवरेज निकालें एंड उसे ही करेक्ट माने, क्योंकि ये भी एक्यूरेट आपको रीडिंग नहीं देता है। ये आपकी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेज़र नहीं करता है, ये आपके सरफेस बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करता है। लेकिन एक अच्छी बात ये है, इंफ्रारेड होने के वजह से ये आपके टेम्पोरल आर्टरी को कंप्यूट करता है एंड कुछ हद तक कोर टेम्परेचर को कोरिलेट करता है ये। तो इसलिए आज से इस बात को आप लोग मान लें कि इसे आप जब भी यूज़ करें, बॉडी के किसी पार्ट्स पे ना यूज़ करें, स्किन के ऊपर यूज़ करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको एरेटिक वैल्यू मिलेगा, गलत वैल्यू मिलेगा एंड आपकी ट्रीटमेंट इसका दिशा भी सही नहीं हो पाएगा। जब भी यूज़ करें, फोरहेड पे यूज़ करें, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, किन्हीं में भी। रह गई बात, अगर इस थर्मोमीटर के बारे में आप और जानना चाहते हो तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो, मैंने उसमें सारी डिटेल में बताया है कि कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, क्या क्या बातों को ध्यान में रखना है इसे यूज़ करते वक्त। रह गई इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में डालेंगे, आंसर आपको हर बार की तरह मिल जाएगा। थैंक यू।